अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए फॉर फ्यूचर अपडेट्स के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि अगर आप डीएवी स्कूल्स ऑल ओवर पैन इंडिया में जॉब करना चाहते हैं तो उसका क्या प्रोसेस रहता है। बिकॉज इस साल इनका जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ही चेंज हो गया है। पहले जो आपका इंटरव्यू होता था, लेकिन इस बार से ऑल ओवर इंडिया में इन्होंने एक एग्ज़ाम आउट कर दिया जिसका नाम है सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसको पास करके ही आप फेज़ टू में जा सकते हैं। फेज़ वन में आपका टेस्ट होगा, फेज़ टू में आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा। ये दोनों ही फेज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। सो उससे पहले जो आपके क्यूरीज है, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस हैं, उनके मैं आपको सोल्यूशन बता देता हूँ। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप डीएवी में अगर टीचर बनना चाहते हैं तो आपका क्या प्रोसेस रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस। तो वीडियो पूरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ऐसी वीडियोस के लिए ज़रूर हमें ज्वाइन करिएगा और अपना कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा कि आपका जो ऑलरेडी डीएवी में जॉब कर रहे हैं कैसा एक्सपीरियंस रहा। तो सबसे पहले, हाउ कैन आई गेट अ जॉब इन डीएवी, तो उसके लिए फेज़ वन है, फेज़ टू है, ये मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूँगा। वट इज़ सीबीटी एंड पर्पज ऑफ इट। तो सीबीटी क्या है? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट होता है। इनमें आपकी प्रोफिशिएंसी चेक की जाती है आपकी सब्जेक्ट में, जिस भी आप सब्जेक्ट में अप्लाई कर रहे हैं। और ये फेयर है, ट्रांसपेरेंट एंड क्वालिटी बेस्ड रिक्रूटमेंट है। तो इसके रिगार्डिंग आपके काफ़ी कमेंट्स आए हैं, इसके रिगार्डिंग आपका भी कोई डाउट या सजेशन होता है इन लाइन के रिगार्डिंग, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। नेक्स्ट, वट इज़ द ड्यूरेशन एंड हाउ मैनी क्वेश्चन आर देयर इन सीबीटी। तो 2 घंटे का एग्जाम होता है, टोटल 80 क्वेश्चन होते हैं। वट इज़ द फॉर्मेट ऑफ सीबीटी, पेपर वन एंड पेपर टू, ये मैं आपको आगे बता दूंगा क्या इनका प्रोसेस रहेगा। वट इज़ द सिलेबस फॉर द सीबीटी, तो इसके लिए एज पर पोस्ट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। इज देर एनी नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। वेन इज सीबीटी कंडक्टेड, बहुत बच्चों का क्वेश्चन है ये सीबीटी कब निकलता है और कितनी बार निकलता है। ये जो रिक्रूटमेंट है नीट बेस्ड है। वेन एवर देर आर वैकेंसी सीबीटी इज कंडक्टेड, इट मे बी कंडक्टेड वंस और ट्वाइस अ ईयर, एक साल में एक बार या दो बार आ सकती है अकॉर्डिंग टू जो भी पोस्टें हैं। हाउ विल आई गेट टू नो अबाउट द अनाउंसमेंट ऑफ सी बी टू, तो उसके बाद लिए ये इनका वेबसाइट है डी ए वी रिक्रूटमेंट प्रोसेस, डी ए वी सी एम सी का, इस पर आप जा सकते हैं। अदरवाइज हमारे चैनल पर भी ऑल ओवर आपको मटेरियल मिल जाएगा कि आपने कैसे फॉर्म फिल करना है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, कैसे आप सी बी टी क्वालिफाई कर सकते हैं। नो माई सी बी टी सेंटर, गेट माई एडमिट कार्ड, नो वेदर आई क्वालिफाइड सी बी टी, गेट माई पैक इफ आई क्वालिफाई। पैक इनका स्कोर कार्ड होता है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा, फिर आपके सेंटर्स आते हैं, फिर आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड होते हैं, पेपर के बाद आपका रिजल्ट आएगा, जो पास होते हैं उनको मिलता है पैक सर्टिफिकेट, जिसको हम स्कोर कार्ड भी बोल देते हैं। वेयर इज सी बी टी कंडक्टेड, तो सी बी टी कहाँ कंडक्टेड होता है? कुछ स्टेट्स के स्कूल्स को एग्जाम सेंटर बनाया जाता है, वहाँ से कंडक्ट होता है। वट इज़ द एलिजिबिलिटी टू अपियर इन सी बी टी, तो उसके लिए डी ए वी सी एम सी के जो नॉर्म्स हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो अकॉर्डिंग टू जो इनका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होता है मैं आपको बता देता हूँ, कम से कम आपका बी एड होना चाहिए ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ, और आपका सी टेट या स्टेट टेट होना चाहिए, ये कंपल्सरी है। इफ़ आई क्वालिफाई इन सी बी टी विल आई गेट ए जॉब, तो इसके लिए आपको पॉइंट वन, ये मैं आपको बातें बता दूंगा ऊपर जो आपका फेज वन फेज टू एक्सप्लेन करूंगा। इफ आई गेट द पैक कैन ई अप्लाई डी ए वी एट एनी टाइम, तो उसके लिए विद पैक ए कैंडिडेट अप्लाई एट एनी स्कूल अप टू इन ए ईयर, तो ईयर में कर सकते हैं बिकॉज पैक जो सर्टिफिकेट है इसकी वैलिडिटी 1 साल की होती है। इफ आई रिसीव द प्रोविजनल एलिजिबिलिटी कार्ड विल आई गेट अ जॉब इन डी ए वी स्कूल्स, तो उसके लिए आप ले सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि वहाँ पर इक्विपमेंट है या नहीं है, वैकेंसी है या नहीं है। इफ आई डू नॉट पास सी बी टी कैन ई अपीयर सी बी टी अगेन, यस आप दोबारा कर सकते हैं। हाउ विल आई गेट एडमिट कार्ड, तो उसके लिए जब फॉर्म फिल करते हैं आपको एग्जाम डेट दी जाती है, तो उसके बाद आपका एडमिट कार्ड आउट हो जाता है। इफ आई गेट एडमिट कार्ड फॉर सी बी टी बट डू नॉट अपीयर इन सी बी टी फॉर सम रीजन, विल माई फीस बी रिफंडेबल, नहीं ये रिफंडेबल नहीं होती। कैन आई अप्लाई फॉर टू पोस्ट एट द सेम टाइम, पी आर टी साइंस टी जी टी साइंस, आप दो नहीं, मैंने 5 पोस्ट के लिए अप्लाई किया था और 5ों में मेरा क्वालिफाई हो गया था, तो आप मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप।
विल सी बी टी बी एप्लीकेबल फॉर स्टेट बोर्ड प्रोजेक्ट स्कूल्स गवर्नमेंट एडेड अन एडेड स्कूल्स? तो उसके लिए बिल्कुल ये सभी के लिए एलिजिबल है आपका जो टेस्ट होगा. विल द एडहॉक कॉन्टेक्ट चुअल कैंडिडेट्स वर्किंग इन डी ए बी सिट फॉर सी बी टी? यस, तो उसके लिए बिल्कुल ये है, लेकिन ये रेगुलर नहीं है, बट सी बी टी आपका मैंडेटरी रहेगा. इफ आई एम नॉट अवेलेबल ऑन द डे स्लॉट ऑफ सी बी टी अलॉटेड टू मी एज पर डेट शीट, कैन आई गेट सेंटर और स्लॉट चेंज? यस, अगर आप नहीं गए एग्जाम देने या आप एबसेंट हो गए ड्यू टू सम रीजन, जो एबसेंटीज होते हैं इनको दोबारा एक चांस दिया जाता है. इफ माई जो इनका सी जी पी ए में आपका है मार्क्स वगैरह, तो उसको आप कन्वर्ट करेंगे, प्रोसेस आपको पता है इसका, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो भी अपलोड किया है जो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होगा. नेक्स्ट, आई एम ऑन कॉन्ट्रैक्ट टिल मार्च 2024, शुड आई अप्लाई फॉर टी जी टी पोस्ट? तो उसके लिए बिल्कुल कर सकते हैं. आई एम वर्किंग इन डी ए वी स्कूल ऑन कॉन्ट्रैक्ट टिल 2024, बट आई हैव थर्ड डिविजन ग्रेजुएशन, आई एम ट्राइंग टू फिल द फॉर्म, इट सेइंग यू आर नॉट एलिजिबल. तो उसके लिए फॉर टी जी टी जो एलिजिबिलिटी क्रिटीरिया, वो 50% आपके मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, अगर नहीं है तो वो नहीं है. इज बी एड इज कंपल्सरी फॉर टी जी टी? बी एड तो है ही है, साथ में इन्होंने सी टेट पी टेट भी दिया है स्टेट टेट, तो इसके बारे में मुझे जरूर बताइएगा कि कंप्यूटर वालों का जो है सी टेट किस में होता है. आज तक मुझे किसी से प्रॉपर आंसर नहीं मिला, यहाँ तक कि जो ऑफिशियल्स होते हैं उनसे भी नहीं मिला. दे सेड कि आप डी ए वी सी एम सी ही फ़ोन करें या मेल करें, मेल करो उनकी मेल फुल होती है, कॉल करो तो कॉल उठाते नहीं है. तो प्लीज़ अगर आपके पास इसका आंसर है पॉइंट का तो ज़रूर हमें बताइएगा. द डॉक्यूमेंटेशन या डॉक्यूमेंट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन टू बी अपलोडेड हैव टू बी सेल्फ टेस्टेड और अटेस्टेड बाई अथोराइड अथॉरिटी? तो इसके लिए आप खुद अटेस्ट करेंगे. वट इज़ द फी? फीस आपकी 300 रहती है. हाउ विल आई कम टू नो अबाउट द एग्जाम सेंटर? उसके लिए आप लॉग इन करेंगे, आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा वेबसाइट पर, आपको टेक्स्ट मैसेज भी आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप एग्जाम सेंटर देख सकते हैं. इफ आई एम नॉट एबल टू प्रिंट माई एप्लीकेशन या प्रिंट माई फॉर्म, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप उनको मेल करेंगे, हेल्पलाइन नंबर होते हैं उनको कॉल करेंगे, तो आपका ये हो जाता है. इफ आई वॉन्ट टू एडिट द फॉर्म आफ्टर सबमिशन, ये नहीं होता, एक बार फाइनल सबमिट हो गया तो हो गया. इफ आई मेड द पेमेंट बट डू नॉट गेट एप्लीकेशन फॉर्म, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उनको मेल करेंगे, कॉन्टेक्ट करेंगे, तो आपका वो जनरेट कर देंगे आपका एप्लीकेशन फॉर्म. वट इज पैक? पैक की स्कोर कार्ड है. माई पेमेंट हैज फेल्ड एंड द अमाउंट हैज बीन डेबिटेड फ्रॉम माई अकाउंट, तो उसके लिए कम से कम 42 to 72 hours का वेट करिए, या तो आपकी फीस रिफंड हो जाएगी या अपडेट हो जाएगी. इसके रिगार्डिंग आप उनको मेल डाल सकते हैं. कैन आई मेक चेंजेस इन द फॉर्म? यस, जब तक आप फॉर्म को लॉक नहीं करते तब तक फॉर्म में चेंजेस कर सकते हैं. एक बार फॉर्म को लॉक करके पेमेंट कर दी, देन आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते. व्हाइल मेकिंग द पेमेंट द अमाउंट हैज बीन डेबिटेड ट्वाइस, व्हाट शुड आई डू? तो उसके लिए आप उनको मेल कर दीजिए, एक आपकी पेमेंट रिफंड हो जाएगी. आई हैव मेड द पेमेंट बट कैन नॉट सी माई प्रिंट आउट, तो उसके लिए 24 to 48 hours का वेट करिए, तो उसके बाद आपकी जो है पेमेंट वो अपडेट हो जाएगी. नाउ इसके बारे में मैं आपसे सबसे पहले डिस्कस कर रहा था, जो मैंने आपको बताया था बाद में बताऊंगा. तो देखिए सीबीटी के फेज टू होते हैं, फेज वन एंड फेज टू. फेज वन में आपका सबसे पहले अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन, आपकी जितनी भी उसमें डिवीजन आई है, फर्स्ट डिवीजन आई है, सेकंड डिवीजन आई है, अकॉर्डिंग टू योर क्वालिफिकेशन आपकी डिग्रीज, तो उसके अकॉर्डिंग कैरियोग्राफ बनता है. फिर आपका सीबीटी होता है जो 80 मार्क्स का होता है, 30 पेपर ए में होते हैं और 50 क्वेश्चन पेपर टू में होते हैं. जो पेपर ए होता है वो जनरल इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड का होता है, पेपर बी आपका सब्जेक्ट का होता है. तो ये 1 hour 20 minutes का आपका एग्जाम होता है, टोटल 80 minutes, तो वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है. तो ये ऑनलाइन होता है, एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चंस होते हैं. एक तो जनरल पेपर होता है, उसके रिगार्डिंग आप पूरा प्रोसेस जानना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, तो वहां पर आपका पूरा प्रोसेस मैं बता दूंगा. यहां पर करेंगे तो वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, लंबा हो जाएगा. फेज टू, जब आप सीबीटी दे देंगे आपका रिजल्ट आएगा, जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे उनको ये सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा उनका लॉगिन करके, और उसका प्रिंट आउट ले लीजिए. और फेज टू के लिए आप डिटेल्स कहाँ से लेंगे, डीएवी रिक्रूटमेंट जो इनकी वेबसाइट है दिस वन, यहाँ पर जाएंगे. नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिलेगी, लिस्ट ऑफ पैन इंडिया, वहाँ डिफरेंट स्कूल्स की वेबसाइट्स होंगी. उन वेबसाइट्स में जाकर आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे ये स्कूल नेम देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश आंध्र प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, उसके बाद नीचे चलते हैं छत्तीसगढ़ हो गया, और चलते हैं नीचे यहाँ पर हो गया चंडीगढ़, तो इन स्कूल्स पे क्लिक करेंगे, स्कूल की वेबसाइट पर सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. अगर नहीं है तो आप सभी स्कूल को अपना पैक सर्टिफिकेट और ज्यूमे सेंड कर दीजिए. जब भी पोस्ट वहाँ पर हुई वैकेंट, तो
वहाँ का जो एडमिन डिपार्टमेंट आपको कॉल कर देगा। नाउ आपको कॉल आ गई, उसके बाद आपका सबसे पहले डेमो होगा। डेमो मीन्स आपकी टीचिंग चेक की जाएगी, कैसे आपके टीचिंग स्किल्स है। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा जिसमें सब्जेक्ट एक्सपर्ट और पैनल के सामने जो भी आपकी कैंडिडेट्स की स्किल्स रहेंगी, पर्सनैलिटी रहेगी, आप कैसे आपका वे ऑफ आंसरिंग होता है, आपकी नॉलेज एप्टीट्यूड सारा कुछ चेक किया जाएगा। तो उसके बाद ही आपका फर्दर प्रोसेस होगा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये फेज़ टू का प्रोसेस है। तो पेपर के बाद आपकी एड निकलेगी, कैंडिडेट अप्लाई करेगा डिफरेंट स्कूल में, पैन इंडिया मैंने आपको बता ही दिया। वहाँ पर जब आपके इंटरव्यूज़ होंगे तो वहाँ पर जो बैकएंड डिपार्टमेंट है, जो एडमिन डिपार्टमेंट, वो लिस्ट बनाएगा जो भी बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं, कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं। उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको डेमो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर आपकी स्कूल में ज्वाइनिंग होगी, ज्वाइनिंग के बाद आपसे ज्वाइनिंग ले ली जाएगी, आपको दे दी जाएगी। उसके बाद आपकी अप्रूवल भेजी जाएगी DAV CMC, और उसके बाद आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो एडहॉक बेसिस पर की जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो आपकी सिलेक्शन होगी परमानेंट बेसिस पे नहीं होती, सबसे पहले आपको एडहॉक बेसिस पर रखा जाता है। आपका पूरा जो टेन्योर, जो भी आप DAV में लगाते हैं अपना टाइम, उसको प्रॉपर देखा जाता है कि ये जो बंदा हमने रखा है, कैंडिडेट रखा है, ही और शी एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट और नॉट, उसके अकॉर्डिंग ही सारा प्रोसेस चलता है। लेकिन एक बार अगर आपने DAV में कदम रख लिया, डैट मीन्स कि आपका फ्यूचर अच्छा है और बस आपने अच्छे से अपना पॉजिटिव रहकर काम करना है। तो ये था पूरा प्रोसेस इसके रिगार्डिंग। अगर आपका कोई भी क्यूरी क्वेश्चन जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया रिगार्डिंग दिस, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। पूरा DAV का क्रिटेरिया, शेड्यूल, कैसे अप्लाई करेंगे, फॉर्म, एडमिट कार्ड, सेंटर सिलेक्शन, एबसेंटीज, पूरा मैंने CBT जो है उसका अपलोड करके रखा है अपने YouTube चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। नौ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जो CBT था पहले सिर्फ छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ओडिशा हो गया, बिहार हो गया, इनमें लिया जाता था, लेकिन अब ये ऑल ओवर इंडिया हो गया है। लेकिन ये जो स्टेट्स मैंने आपको बताई हैं, इनमें डेमो इंटरव्यू के बाद भी एक इंटरव्यू होता है जो फाइनल इंटरव्यू होता है, जिसके थ्रू डिफरेंट कैंडिडेट्स को रखा जाता है। इसमें DAV या CBSE पर्सनल्स आते हैं जो आपका फाइनल इंटरव्यू लेते हैं, और उसके बाद आपका इन स्टेट्स में फाइनल सिलेक्शन होता है। लेकिन अदर स्टेट्स हैं जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, चंडीगढ़ हो गया, या अदर जितनी भी स्टेट्स हैं, उनमें सिंपल आपका डेमो एंड इंटरव्यू तक ही चलेगा, वहाँ DAV या CBSE के पर्सनल्स नहीं आते। जिन कैंडिडेट से मेरी बात होती है, जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं और ऑलरेडी इन DAV में जॉब कर रहे हैं या इंटरव्यू देकर वहाँ पर सिलेक्शन हुई है, तो ये सारी डिटेल्स मैंने उन्हीं से कलेक्ट करके उनका जो एनालिसिस है मैंने अपनी वीडियो में ये एक्सप्लेन किया, ये जो मैंने लास्ट में पॉइंट्स बताए हैं। सो ये था पूरा ऑल ओवर क्रिटेरिया कि आपने अगर DAV में जॉब करनी है क्या प्रोसेस रहेगा। इसके रिगार्डिंग और भी अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं कि कैसे आप CBT क्वालिफाई कर सकते हैं, जो मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स दूंगा, 99.9% आप CBT क्वालिफाई कर सकते हैं, तो उसके लिए आप हमें इंस्टा पर फॉलो करके मैसेज कर दीजिए, अपना नाम बता दीजिए, स्टेट बता दीजिए, सब्जेक्ट बता दीजिए, किस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन के आपने अप्लाई करना है, लाइक इन PRT, TGT, PGT और म्यूनिसिपल पोस्ट हैं, उसके रिगार्डिंग मैं आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को जरूर अपने निडी फ्रेंड्स के साथ शेयर ही करिएगा, सो डेट दे ऑल्सो नो द होल प्रोसेस थ्रू विच दे कैन डू टीचिंग और नॉन टीचिंग लाइक म्यूनिसिपल पोस्ट जॉब इन DAV। और इसमें जो आपकी काउंसलर और नर्स के जो वैकेंसीज होती हैं इन DAV स्कूल्स, उसका कोई भी CBT नहीं होता, जो कि काफ़ी ज़्यादा मुझे कैंडिडेट्स की क्यूरीज आती हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर योर वैल्युएबल टाइम।